A complete meal in just 1 rupee. It sounds too good to be true. But a canteen in Hubli, Karnataka is providing an entire meal for the set price. It is with the sheer motive of eradicating poverty that Mahavir Youth Foundation started the Roti Ghar 6 years ago. People belonging to different religions and castes come here and have their lunch at just 1 rupee. भारतवर्ष में अन्नदान को एक महादान कहा गया है। उसी तरह हमारे जैन समाज में भी हम अन्नदान को महादान समझते हैं। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये हमारे धर्म में सर्वप्रथम है। और हमारा धर्म जो है करुणा, करुणा का धर्म है। रोटी घर के माध्यम से हम हर धर्म के लोगों का सेवा करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। किसी व्यक्ति का धर्म देखना देख के हम सेवा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हम सब एक हैं, उसी उद्देश्य से हम यहाँ पे कार्य करते हैं। The canteen provides a complete meal which includes chapati, rice, sambar, vegetable curry and even sweets. From small vendors to auto rickshaw drivers to professionals, everyone enjoys the food, which is no way different from home-cooked meal. अभी तक तो बेकार है। मैं पहले घड़े का नवा हंडे का काम करा था रहा है। अब कम ताकत के ऊपर नहीं होगा, ये मजबूरी के ऊपर नहीं होता कि भाई कुछ घर कर लो। घर में रहा तो फिर भी आ गया, मैं खा कर जा तो मैं खा गया तरक मुझे समाधान नहीं होता। क्यों आने के मना करते बोले तो क्यों इधर खाना देता है ना, गरीब लोग के खाना देता है, गरीब लोग के खाना देता तो गरीब लोग आके खाता है, श्रीमंत का लोग कैसे आते हैं। कितने में आप खाना? 1 रुपये में मिलता है खाना। क्या क्या मिलता है? के खाने में 2 रोटी चावल खाना अच्छे से मिलता है। Another specialty is that there is no such cashier at this canteen. The customers are expected to donate 1 rupee after enjoying a hearty meal. Though the canteen is small, it does not compromise on the quality and hygiene. The utensils are clean and premise tidy. जो जैसे घर में बनाते हैं हम खाना, उसी तरह से इधर भी बनाते हैं खाना। और जैसे चावल वगैरह है तो उनको एक दो बार धो लेते हैं, और सब्जी को मतलब जैसे काट वक्ते वगैरह एक जो नॉर्मल रहता ही है खाना बनाने का, उसी तरह से हम लोग खाना बनाते हैं। डे वन से हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ये जो मार्केट एरिया है ना, इसमें हमारे लोग आते हैं, कोई ड्राइवर्स आते हैं, कोई ट्रक के ड्राइवर्स आते हैं, कोई छोटे मोटे रास्ते पर बेचने वाले आते हैं, तो बेसिकली मार्केट एरिया में रोज़ आना जाना रहता है। और आज की महंगाई के हिसाब से वो होटल में जाके खाना खा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और हमारे ऐसा मानना है कि एक अन्न संतर्पण जो रहता है, एक बहुत ही सेवा पुण्य का काम है, हमारे जैन समाज के हिसाब से है। तो उस हिसाब से हम लोग कंटिन्यू इस कार्यक्रम को 6 साल कंटिन्यू हो गए, अभी ये 7वां साल चालू है हमारा। In today's time when inflation has become the talk of the town, such an effort by Mahavir Youth Foundation is really laudable and will go a long way in serving humanity and bringing people together.